2024 चुनाव के दस्तक देने के बाद से सभी पार्टियां अब एडी चोटी का जोर लगा रही है और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं। आपको बता दें कि आज कांग्रेस की यूथ कार्यकारिणी एक बैठक का आयोजन धनबाद के सदन में किया जा रहा है और यहां पर काफी संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए, खास करके जो युवा कार्यकर्ता है वो आज काफी यहाँ पर एक्टिव देख रहे हैं और उनको लेकर यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए हम कुछ कांग्रेस के जो नेता यहाँ पर मौजूद है, जो युवा कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या इन लोगों की रणनीति और 2024 चुनाव को लेकर क्या कुछ योजना इन लोगों की ओर से बनाई जा रही है। मजबूत किया जाए, जो संगठन में रिक्त पद है उनको कैसे भरा जाए, उनको भरने के बाद संगठन को कैसे बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए और बूथ स्तर तक पहुंचा करके लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे जागरूक किया जाए, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आने वाले कंटेंट है उनसे बच सके और देश के जो वर्तमान हालात हैं, देश की जो परिस्थिति बनी हुई है कि नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है, किसान सही कीमत के लिए तड़प रहा है और देश के अंदर जगह जगह हाहाकार की स्थिति जो बनी हुई है उससे देश की जनता को निजात दिलाने के लिए हम कैसे एक मजबूत विकल्प के रूप में 2024 में लोगों के सामने आए और 2024 के आम चुनाव में ये मोदी और शाह की ताना शाह वाली सरकार को उखाड़ के फेंका जाए, नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की सरकार को स्थापित किया जाए आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में। पूरे प्रदेश के अंदर हर यूनिट को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पे भी हमारा मातृ संगठन कांग्रेस हमें जहाँ पे भी जिस भी स्थिति में जिस भी परिस्थिति में काम करने के लिए बोलेगा हम वहाँ खड़े होंगे। प्रचार करना प्रसार करना वो तो हमारा काम ही है, लेकिन जहाँ हमें गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए भी बोला जाएगा उस युद्ध की भी तैयारी में है। देखो, प्रदेश युवा कांग्रेस का कार्यकारिणी की बैठक है, पहली बार हमको लगता है कि धनबाद जिला युवा कांग्रेस ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और 2024 में चुनाव को लेकर के ये सारी तैयारी चल रही है कि यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, हर बूथ पे हमारा 10 यूथ रहेगा, ये उसी के लिए एक तैयारी है और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का कार्यक्रम लेकर के लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है, चुनाव में धनबाद के 6 विधानसभा और लोकसभा पे यूथ का पूरा फोकस है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लेकर के हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने किया है। इसको लेकर के हम प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं छोटे भाई अभिजीत राज और धनबाद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गौरव सोनू, उन सबको बधाई देते हैं कि इस प्रकार का कार्यक्रम करके उन्होंने युवाओं में जोश भरने का काम किया है, जो कि 2024 में कांग्रेस का परचम फहराएंगे और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करेंगे। जिला युवा कांग्रेस एवं प्रदेश झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की मासिक बैठक जो हर एक महीने होती है, आज हमारे सौभाग्य से धनबाद में हमें कराने का मौका प्राप्त हुआ। साथ ही हम लोगों ने धनबाद जिला युवा कांग्रेस के तत्वावधान में जितने पूर्व अध्यक्ष थे यूथ कांग्रेस के, हमने चाहा कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर ला के और एक सम्मान देने का काम करें कि उन लोगों ने भी यूथ कांग्रेस को सींचा है, तब जाके आज मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, चाहे उनके दिए गए मार्गदर्शन पे चल। साथ ही हम लोग जो मेन मुद्दा है कार्यकारिणी का बैठक का कि ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि कहाँ काम हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने विधानसभा में हमारी कमेटी है, प्रखंड में है, ताकि हम लोग मेन मुद्दा 2024 के चुनाव को कैसे जीता जाए और हमारे नेता राहुल जी के हाथों को मजबूत किया। प्रदेश कार्यकारिणी है और ये प्रदेश कार्यकारिणी लगातार अलग अलग जिला में प्रत्येक महीना होता है, इस बार ये मौका धनबाद को मिला है। लगातार प्रखंड के अंदर में, नगर के अंदर में, विधानसभा और जिला में जो कार्यक्रम होते हैं हमारे, उसमें जो जन मुद्दे होते हैं उनका कार्यक्रम, उनका समाधान, लोगों के बीच में जाना आना, बूथ कमेटी पे लोगों को जोड़ना और वहाँ से जो समस्या होता है उसको लेके कार्य समीक्षा पहले प्रखंड स्तर पे होता है, फिर विधानसभा स्तर पे होता है और वहाँ अगर उसका समाधान और निराकरण नहीं होता है तो जिला कार्यकारिणी में आता है और जिला कार्यकारिणी में रणनीति आंदोलन बन के उस कार्यक्रम, उस समस्या का समाधान किया जाता है और जब वहाँ भी उस चीज़ का नहीं होता तो प्रदेश कार्यकारिणी में उस समीक्षा बैठक होती है और उस समीक्षा में पूरे प्रदेश में जन मुद्दे को लेके रणनीति और आंदोलन तय होता है और उस माध्यम से हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों का काम कराते हैं और कहीं ना कहीं उसी माध्यम से हम युवा कांग्रेस से में जुड़ने के लिए भी लोगों को प्रेरित करते हैं। तो हमारा अभी संगठनात्मक ढांचा कैसे मजबूत हो उसी को लेके आज का कार्यकारिणी ये धनबाद में रखा गया है और 2024 को ध्यान में रख के हम पूरे सशक्तिकरण के साथ, पूरे ताकत के साथ झारखंड युवा कांग्रेस अपनी उपस्थिति 81 विधानसभा
और 14 लोकसभा में काम कर रही है। एक महीने ये जो कार्यकारिणी बैठक होती है वो होती रहती है और आज धनबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें काफी संख्या में युवा हैं और युवाओं को साथ में लेकर चलने को लेकर कांग्रेस ने बताया कि इनकी योजना है 2024 चुनाव में भी यही लक्ष्य रखा गया। आज जो मेन मुद्दा है उनका ये है कि हर बूथ पर 10 यूथ हो, यानी कि हर बूथ पर 10 ऐसे युवा रहे जो हमेशा एक्टिव रोल में रहे, उस क्षेत्र की जो समस्या उसके बारे में जानकारी दें और फिर उस समस्या से समाधान दिलाएं। और 2024 चुनाव में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो युवा है, जो कांग्रेसी युवा है, इनका असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इन लोगों ने बताया कि 2024 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। आज पार्टी में कई अलग अलग लोगों को जोड़ने को लेकर भी मंथन की गई है, कैसे आगे इन लोगों को एक साथ लेकर चलना, इन तमाम छोटी छोटी बारीकी चीजों पर भी ध्यान रखा गया है। और यही उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार 2024 के चुनाव में मोदी और शाह की जो सरकार है वो शाह हो जाएगी और युवा कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस की लहर इस बार पूरे ना सिर्फ धनबाद बल्कि पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलेगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शाम्भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।